नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन तो जारी है ही, साथ ही में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी खुलकर अब सामने आने लगी है। शुरुआती दिनों से ही कांग्रेस लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है और राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस का पैदल मार्च तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा हुजूम कार्यकर्ताओं का जो है वो मौजूद है। पीसीसी कार्यालय से सूरजपोल मंडी तक पैदल मार्च। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, ऐसे कांग्रेस जो है वो किसानों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करती हुई नजर आ रही है, सदन में भी आवाज अपनी बुलंद की और आज सड़क पर लिटरली अपनी आवाज को बुलंद करते हुए पैदल मार्च एक निकाल रही है। फिलहाल आप वहां मौजूद है, किस प्रकार की स्थिति, क्या जो लोगों में उत्साह है वो देखने को मिल रहा है? लोकेश, कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का पैदल मार्च, जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का पैदल मार्च तस्वीरें आपको फिलहाल दिखा रहे हैं और सूरजपोल मंडी तक 5 किलोमीटर का जो रूट है वो डिसाइड किया गया है, जिसके बाद सूरजपोल मंडी में सभा के रूप में जो पैदल मार्च है वो तब्दील हो जाएगा, जिस सभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सभा में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लोकेश, देखिए काफी महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि सदन में काफी दिनों से अपनी आवाज को बुलंद करती आ रही है कांग्रेस सरकार, आज सड़क पर भी उतरी है, पैदल मार्च फिलहाल जारी है, किस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी देखिए, जी बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से आज राजधानी जयपुर में पैदल मार्च निकाला जा रहा है, इसी तरह देश भर में भी कांग्रेस की ओर से ये पैदल मार्च है और इस तरह का विरोध प्रदर्शन वो किया जा रहा है। लगातार किसानों की ओर से जो तीनों कृषि कानून हैं उनके विपक्ष में आंदोलन किया जा रहा है, आंदोलन का लगातार कांग्रेस पहले से ही समर्थन करती आ रही है और एक बार फिर से किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कांग्रेस की ओर से यह जो पैदल मार्च वो निकाला जा रहा है राजधानी जयपुर में, यानी कि चांद पोल से ये किशन पोल जो सूरज पोल मंडी तक पैदल मार्च वो निकाला जा रहा है। यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं जो बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़ के बीच से, जहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे एकजुट हुए हैं। जो रैली निकल के आ रही है अभी फिलहाल, जो रैली है वो छोटी चौपड़ के आगे तक पहुँच चुकी है और उस रैली का जो स्वागत है इन कार्यकर्ताओं की ओर से किया जाएगा। जिस तरह से देश भर में महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है और उसी के विरोध में कांग्रेस की ओर से किसानों के समर्थन में और महंगाई के विरोध में किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। आज कांग्रेस की ओर से देश भर में इस तरह से आंदोलन किया जा रहा है, जो बात करें तो जयपुर में भी रैली निकाली जा रही है, क्या कुछ कहना चाहते हो इसको लेकर? आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में और हमारे किशनपोल विधायक अमीन काग जी हमारे क्षेत्र किशनपोल में एक किसान पदयात्रा लेकर आ रहे हैं और हम सभी इस क्षेत्र के पार्षद साथी यहाँ मौजूद हैं इस पदयात्रा के स्वागत के लिए। एक किसानों की मांग को लेकर एक पदयात्रा निकाली जा रही है, जो कि किसानों के हित के अंदर CM साहब खुद अपने पदयात्रा द्वारा किसान हितों की बात करेंगे। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसको भी कांग्रेस की ओर से यहाँ विरोध दर्ज कराया जा रहा है। देखिए, केंद्र की भाजपा सरकार ने जो किसानों के लिए बिल लेकर आए हैं वो बिल किसानों के नहीं आम जनता के भी खिलाफ हैं। इस संदर्भ में हमारे CM साहब के आह्वान पर एक पदयात्रा का आयोजन किया गया है। पदयात्रा PCC कार्यालय से लेकर गलता गेट तक जाएगी। उस पदयात्रा में हम सब पार्षद शामिल होंगे और किशनपोल विधानसभा के विधायक अमीन कागजी जी के नेतृत्व में हम इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के यहाँ के पार्षद हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो रैली निकल के आ रही है अभी, जो कांग्रेस की ओर से जो रैली PCC कार्यालय से अभी जो रैली निकाली जा रही है सूरजपोल मंडी तक, जो रैली अभी तक अभी इस समय मौजूदा समय में बड़ी जो छोटी चौपड़ से आगे तक, यानी कि बड़ी चौपड़ के करीब पहुँचने वाली है, जो ट्रैफिक है उसको भी एक बार फिर से डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि जो रैली धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रही है और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के जो पार्षद है वो यहाँ पर पहुँचे हैं।
और जिस तरह से कांग्रेस की ओर से जो आज विरोध दर्ज कराया जा रहा है कि किस तरह से किसानों की आवाज़ को एक बार फिर से बुलंद किया जाए और आम जनता की किस तरह से साथ देकर जो महंगाई की जो मार लगातार पड़ रही है उसको लेकर जो केंद्र सरकार का जो ध्यान आकर्षण करने के लिए यह रैली है वो निकाली जा रही है। जी लोकेश, इसके अलावा सूरजपोल मंडी में पहुंचकर जो रैली है वो सभा के रूप में तब्दील होगी, वहां पर किस प्रकार की तैयारियां देखने को मिलेगी? फिलहाल आप जहां खड़े हैं कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं तैयारियों के लिए और स्वागत के लिए, सूरजपोल मंडी में किस प्रकार की व्यवस्थाओं की जानकारी फिलहाल तक आपके पास आ रही है लोकेश? जी देखिए बिल्कुल, जैसे बात करें तो जिस तरह से यहाँ जो रैली है बड़ी चौपड़ के आगे तक पहुँच चुकी है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ से सूरजपुर मंडी पहुँचने के बाद में वहाँ पर सभा की जाएगी, इस दौरान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासा वहाँ मौजूद रहेंगे। अभी रैली के दौरान कई विधायक जिसमें अमीन कागजी, रफीक खान पठान, महेश जोशी, जो शहर अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरेवा सहित जो कई जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर बड़ी संख्या में रैली में पहुंच रहे हैं। तस्वीरों आप देख रहे हैं कि आगे जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो चल रही है, सुरक्षा का जो पूरी तरह से यहाँ पे इंतजाम है वो भी किया गया है, पहले से ही जो रूट को डाइवर्ट है वो कर दिया गया था और उसी के अनुसार यहाँ पर जो रैली है वो निकाली जा रही है। आगे इनके स्वागत के लिए यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो पार्षद लोग हैं। लोकेश, रूट डाइवर्ट करने की आपने बात करी, जो आम लोग वहां से गुजर रहे होंगे उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं, जो लोग अभी टेलीविजन देख भी रहे हैं और अगर सोच रहे हैं उस क्षेत्र से गुजरने का, किस प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्थाएं डाइवर्ट की गई है उस बारे में जानकारी? जी देखिए बिल्कुल, चांदपोल से जो सूरजपोल मंडी तक ये आज पैदल मार्च कांग्रेस का निकाला जा रहा है। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था पूरे शहर में माकूल रहे, सही रहे, उसको लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि जैसे जैसे रैली आगे बढ़ती जा रही है ऐसे ऐसे आगे का जो रूट है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, साथ साथ जैसे ही आगे निकल रही है पीछे से रूट वापस खोला जा रहा है, उन्हें वैसे ही स्थिति बनाई जा रही है। तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से जो रूट है वो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का जो पैदल मार्च है वो जारी है, अपनी आवाज को बुलंद करती हुई कांग्रेस पार्टी, और फिलहाल पैदल मार्च जो है वो सूरजपोल मंडी पहुंचेगा जिसके बाद एक सभा के रूप में